वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ एकता एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आज मैं आप लोगों के साथ ऐसे प्रोडक्ट के रिव्यू शेयर कर रही हूँ, प्लम के ग्रीन टी फेस मास्क के रिव्यू। बहुत ही अमेजिंग सा फेस मास्क है, इसका बड़ा वाला पैकिंग भी आता है। बट जो पैकिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, इसको अभी आप फ्री में ले सकते हो। फ्री में कैसे ले सकते हो? अगर आप पर्पल पे एलाइट मेंबरशिप लेते हो दिस टाइम दिस ईयर, तो आपको मिलता है ये फ्री ऑफ कॉस्ट। और पैकिंग आप देख सकते हो, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी की आपको पैकिंग मिलेगी। इसको आई थिंक आप 2 से 3 बार, उससे भी ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मास्क जो होते हैं हम डेली यूज़ नहीं करते हैं। एंड वीक में 2-3 वीक के बाद आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ये आपके लिए थोड़ा ज़्यादा, मतलब 1 मंथ आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हो 1 पर्सन। एंड बहुत ही अच्छा वर्क करता है, ग्रीन टी का है। ग्रीन टी कितना अच्छा इफेक्टिव होता है आपकी स्किन के लिए वो सबको पता है। ये प्लम के बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, आप इसको प्लम के साइट से भी ले सकते हो। मैंने इसको पर्पल से लिया है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इसलिए मैंने आप लोगों को बोला, अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हो तो इस टाइम आप एलाइट मेंबरशिप ले सकते हो वहाँ से। एंड वहाँ पर आपको ये फ्री में ऐड हो जाएगा। और एलाइट मेंबरशिप के बेनिफिट्स क्या क्या है वो मैं डिफरेंट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में या फिर इससे पहले आपको मिल जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी वीडियो। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल पे अभी तक न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ के बेल आइकन को प्रेस कर देंगे मेरे आने वाली वीडियो की न्यू नोटिफिकेशन के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, आज मैं आपके साथ जिस प्रोडक्ट की रिव्यू शेयर कर रही हूँ वो इस तरीके की पैकिंग में आपको मिलेगा। ट्यूब की पैकिंग है एंड क्वांटिटी इसकी आपको 25 ग्राम की क्वांटिटी आपको मिलेगी। एंड बहुत ही अच्छी पैकिंग में है, बड़े वाले पैकिंग आते हैं, इसका सेट आता है। मतलब इसमें आपको स्किन केयर में क्लिनजिंग आई थिंक मिलता है, या फिर टोनर होगा, एंड एक फेस मास्क मिलेगा, एंड एक और सेट मिलता है जो कि आप एक बार चेक कर लेना अगर आप पूरा सेट लेना चाहते हो। मुझे अच्छे से याद नहीं अभी दिस टाइम। एंड ये वाली जो फेस मास्क है ये बहुत ही अच्छा अमेजिंग सा ग्रीन टी फेस मास्क है। ग्रीन टी से आपके स्किन पे कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है वो सब लोग को पता है। सो फर्स्ट आप पैकिंग देख लो, ये प्लम की पैकिंग है। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ग्रीन टी क्लियर फेस मास्क। बैक साइड में थोड़े बहुत डिटेल्स है जो मैं आप लोगों को यहाँ से पढ़ के बताती हूँ। ये स्किन वालों के लिए है। ये ऑयल कंट्रोल मास्क है। जिनकी स्किन एक्सट्रीमली ऑयली है वो इनको डेफिनेटली यूज करना, वैसे सब यूज कर सकते हैं, बट ये स्किन पे जितने भी ऑयलनेस होता है ना उसको ये दूर कर देगा एंड आपकी स्किन काफी अच्छे मेंटेन रहेगी। हाईली रिकमेंडेड है ऑयली स्किन वालों के लिए। एंड जिनकी स्किन कॉम्बिनेशन है ऑयली है, एक्ने है, या फिर किसी तरीके की पिंपल्स वगैरह की प्रॉब्लम है, वो सारे इस मास्क को यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये आपके इन सारी प्रॉब्लम को दूर करने में हेल्प करेगा। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ये जेंट्रिक कंट्रोल करता है एक्ने को। एंड इसमें सीबम लेवल होता है जो आपके स्किन के अंदर तक काफ़ी अच्छे से मेंटेन करता है, क्लीन करता है आपके स्किन को डीपली, एंड आपके स्किन को इंस्टेंट ग्लो देगा। एंड इसमें क्या क्या चीज़ें नहीं है, इसमें आपको पैराबिन नहीं मिलेगा, SLS फ्री है, एंड DEA एंड PABA ये सारे फ्री आपको मिलते हैं इसमें। PABA आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि ये क्या होता है, बट पैराबिन नहीं है, सल्फेट नहीं है, ये दोनों चीज़ें लोगों को जानना होता है। इसमें ये दोनों प्रोडक्ट नहीं है। एंड इसके साथ ही साथ इसमें SLS भी नहीं है। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है आपके स्किन के लिए। एंड इसको आप परचेज कर सकते हो पर्पल के साइट से भी, या फिर आप प्लम के जो साइट है वहाँ से भी जाके इसको चेकआउट कर सकते हो। प्लम पे आपको डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी जो कि काफ़ी अच्छे सेल में इस टाइम चल रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन किया हुआ है इंग्रेडिएंट जो कि मैं आप लोगों को चेकआउट करवा दूंगी वहाँ से। एंड ये और सेल्फ लाइफ आपको 2 ईयर का मिलेगा, मतलब आपको 24 मंथ का आपको ये सेल्फ लाइफ दे रहा है। तो चलिए इसको हम अप्लाई करते हैं अपने फेस पे। एक और चीज, अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हो उससे पहले आपके फेस पे बिल्कुल भी मेकअप नहीं होना चाहिए। इवन आपके फेस पे ना तो कोई कंसीलर, कोई भी मॉइस्चराइजर, कुछ भी नहीं होना चाहिए। आपके फेस पूरा क्लीन होना चाहिए। एंड उससे पहले एक बार आप मेक श्योर करो आप फेस वॉश कर लो। अभी आप देख सकते हो मेरे फेस पे बस आपको आई मेकअप दिख रहा होगा जो मैंने आईलाइनर अप्लाई किया है। अभी एक रिव्यू किया है मैंने, इस वजह से मेरे फेस पे कोई भी अभी मेकअप नहीं है। मैंने जस्ट अभी फेस वॉश किया है एंड इसको मैं अप्लाई करके दिखाऊंगी। चलिए इसको अप्लाई करते हैं। एंड इसको ओपन करना है, यहाँ पे प्लास्टिक की कैप आपको मिलेगी। एंड इसको मैंने अभी अप्लाई नहीं किया था, इसको मैंने इसी तरीके से न्यू पैकिंग रखा था। और एलाइट मेंबरशिप का इससे पहले आप लोगों को हो सकता है वीडियो मिल जाए या फिर इसके बाद भी मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो सील्ड है, तो इसको ओपन करते हैं। सील्ड रहता है क्योंकि लीकेज की प्रॉब्लम हो जाती है आने जाने में, मतलब जब डिलीवर होता है इस वजह से, तो काफ़ी अच्छे से सील्ड आउट आपको मिलेगा। इस तरीके की कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी।
बहुत ही अमेजिंग सा फ्रेग्रेंस है, बहुत ही अच्छी सी फ्रेग्रेंस है इसकी। एंड ये काफ़ी ज़्यादा थिक है, लिक्विडी सा नहीं है। सो चलिए अब इसको अप्लाई करते हैं थोड़े थोड़े क्वांटिटी। इसको मैंने अप्लाई कर लिया है। इसको अप्लाई करने के अप्रॉक्स 20 मिनट के बाद आपको इसको वॉश करना है, या फिर आप वाइप अप कर सकते हैं उसको। ये अप्लाई करने के जस्ट इमीडिएटली मुझे थोड़ा सा लगा इसी, मतलब थोड़ा थोड़ा आपको लगेगा कि स्किन पे थोड़ा सा स्टिचिंग की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इसको वॉश कर लें। मुझे हल्का सा आया था, बट जैसे जैसे ये ड्राई हो रहा है स्किन काफ़ी कूल लग रही है एंड काफ़ी अच्छा मुझे फील हो रहा है, तो मैंने इसको मतलब वॉश नहीं किया। ये चीज़ें मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि हो सकता है मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ ये वाले प्रोडक्ट, एंड अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम होता है थोड़े टाइम के लिए तो आप इसको फेस से हटा दो, क्योंकि यहाँ पे मेंशन भी होता है अगर आपको कोई भी इस तरीके की प्रॉब्लम आती है तो आप स्किन को वॉश कर लें। एक और चीज़, आप अपने बालों को अच्छे से टाई कर लें, क्योंकि जो मैंने गलती की आपके बालों में अप्लाई हो जाएगा। एंड अपने इयर रिंग को भी आप रिमूव कर दें। ये मैं वीडियो बनाने टाइम में थोड़ा सा यहाँ पे मुझसे ये मिस्टेक हो गया, ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये जो होते हैं ना ऑक्सीडाइज आपके जो भी इयर रिंग्स वगैरह होते हैं इस तरीके की चीज़ों से हो सकता है ये थोड़ा सा ये ख़राब हो सकता है। सो गाइज अप्रॉक्स 20 मिनट होने वाले हैं एंड मेरे फेस को आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे से ड्राई हो गया है। ये आप देख रहे हो पूरा फेस ड्राई हो गया है एंड इसको मैं अब रिमूव करूँगी। एक और चीज़, ये 100% वेगन प्रोडक्ट है, सो आप इसको डेफिनेटली परचेज करना। पहले तो फेस को वॉश करके आते हैं, उसके बाद मैं इसके बारे में और कुछ डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सो वेट। मैंने फेस को वॉश कर दिया एंड आप देख सकते हो पूरी स्किन क्लीन हो गई, क्लियर हो गई, काफी ज्यादा ब्राइट सा फील हो रहा है एंड काफी अच्छा फील रहा है। एक और चीज, ये ड्राई करता है स्किन को, मतलब स्किन पे जितना भी ऑयल है उसको ये रिमूव करेगा, बट ये एक्सट्रीमली ड्राई नहीं किया है मेरी स्किन को। अभी विंटेज सीजन चल रहे हैं एंड मैंने इसको अभी अप्लाई किया था, बट ये मेरी स्किन, कोई कोई फेस मास्क होता है ना जो आप अप्लाई कर लेते हो तो आपकी स्किन को पूरा खींचता है, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस सा फील होता है, उस तरीके का नहीं हुआ। काफ़ी स्मूथ है एंड क्लीन किया, आपके स्किन पे जितने भी डॉट्स वगैरह होंगे उसको ये रिमूव कर देगा। इसके बाद आपको कोई भी क्लींजर जो आते हैं, टोनर जो आते हैं, सॉरी जो टोनर है वो आप अप्लाई कर लो, क्योंकि ये आपके स्किन के जितने भी वाटर होते हैं ना उसको रिमूव कर देता है। फिर आपके स्किन पे थोड़ा सा वाटर चाहिए होता है, हाइड्रेशन की जरूरत होती है, तो आप स्किन पे कोई भी टोनर या फिर किसी तरीके की आप कोई भी सीरम वगैरह यूज करते हो उसको आप अप्लाई कर लो एंड देन मॉइस्चराइज करो अपनी स्किन को। सो मेरी स्किन काफ़ी स्मूथ हो गई है। मैंने जो आईलाइनर अप्लाई किया था वो पूरी तरीके से रिमूव नहीं हुआ है, बट थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया। सो मैं इसको क्लीन करती हूँ, इसके बाद अप्लाई करते हैं टोनर। मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ रोज का, ये रोज इल्यूमिनेटिंग फेस मिस्ट। आप चाहो तो टोनर यूज कर लो या फिर कोई भी फेस मिस्ट, उसको आप अप्लाई कर लें एंड थोड़ा सा अपनी स्किन पे। मैं यूज कर रही हूँ पॉन्स मॉइस्चराइजिंग कोल्ड क्रीम, की रिव्यू में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था एंड दिस टाइम मैं अपने फेस पे यही अप्लाई कर रही हूँ एंड मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है। सो अपने स्किन को थोड़ा सा आपको मॉइस्चराइज करना। सो गाइस मैंने सब सेट कर लिया, मतलब आईलाइनर वगैरह जो मेरे निकल गए थे उसको मैंने अच्छे से सेक किया एंड अभी मैं आपको अपनी स्किन दिखा रही हूँ। आप देख सकते हो मेरी स्किन कितनी ज़्यादा ग्लो कर रही है। सो फर्स्ट टाइम मैंने इसको ट्राई किया है एंड मुझे बहुत पसंद आया। जैसे मैंने पहले ही बताया आप लोगों को, इसको मैंने जब अप्लाई किया तो अप्लाई करते ही थोड़ा सा मुझे इचिंग आया, मतलब लगा थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है स्किन में,
बट मैं इसको एक दो बार ट्राई करना चाहती थी, मतलब थोड़ी देर के लिए देखना चाहती थी, अगर मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम आता तो मैं इसको रिमूव करती। सो जैसे जैसे ये ड्राई हो रहा था, स्किन काफ़ी कूल हो रही थी एंड सूथ हो गया, मेरे स्किन पे बहुत अच्छे से मेंटेन हो गया। एंड देन उसके बाद आप रिजल्ट देख सकते हो, मतलब सिर्फ 15 या 20 मिनट के अप्रॉक्स मैंने इसको रखा था एंड देन मैंने इसको क्लीन कर लिया। आप इसको वाइप अप भी कर सकते हो अगर आपके पास है तो, या फिर अगर आप इसको डीपली क्लीन करना चाहते हो वाटर से तो आप इसको क्लीन कर लें। मैंने इसको डीपली क्लीन किया था एंड आप मेरी स्किन देखो पूरा मेंटेन हो गया। देन उसके बाद मैंने मॉइस्चराइजर एंड मिस्ट अप्लाई किया है। सो बेसिकली आपको वो अप्लाई करना है क्योंकि स्किन थोड़ी सी ड्राई होती है ऑब्वियसली, यार ये ऑयली स्किन वालों के लिए है तो ये आपकी स्किन के एक्स्ट्रा ऑयल को रिमूव करता है। एंड इस टाइम विंटर चल रहा है तो विंटर में ऐसे ही हमारी स्किन ड्राई रहती है। सो आप स्किन को मॉइस्चराइज कर ले एंड इसको अप्लाई डेफिनेटली कर ले। तो आप अच्छा सा कोई फेस मास्क चाहते हो अभी अप्लाई करना, या फिर समर के टाइम में तो प्लम के ये वाले फेस मास्क आप ट्राई कर सकते हो। एंड मुझे बहुत पसंद आया, साथ ही साथ इसका फ्रेग्रेंस अमेजिंग अमेजिंग फ्रेग्रेंस के साथ है। सो इसका लिंक मैं दे दूंगी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप लेने में इंटरेस्टेड हो तो वहाँ से चेकआउट कर लेना। सो आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहेगा एंड वीडियो अच्छी लगती है, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करना। मिलूंगी फिर से इस टाइप की नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।